राइट व्हाट इज अप यूट्यूब। सो ये है मेरी टेक्निकली मील नंबर वन। अभी मैंने वे प्रोटीन पिया और उसके थोड़ी देर बाद ही 15 मिनट बाद ये है एयर फ्राइड आलू और ये है दही। आलू और दही द लेजेंडरी ओजी प्री वर्कआउट मील। सिंस मैं कटिंग पर हूँ, श्रेडिंग पर हूँ, कंपटीशन प्रेप में हूँ, तो आलू थोड़े कम हो गए हैं। ये अप्रॉक्सीमेटली 100 ग्राम्स हैं, पहले 200 ग्राम्स के आसपास हुआ करते थे, बट ठीक है, मेरा काम इतने में चल जाएगा। तो ये है मेरी प्री वर्कआउट मील और थोड़ी देर बाद मैं जाऊँगा जिम। I actually love this meal. बहुत शोर रहता है बाहर लेकिन मौसम अच्छा है इसलिए बाहर आके बैठा हूँ। Instagram पे पूछा था कि क्या आप लोग देखना चाहते हो फुल डे ऑफ ईटिंग, आप लोगों ने बोला येस, हियर आई एम। बहुत 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 लंबे टाइम बाद फुल डे ऑफ ईटिंग, एक्चुअली मैंने आज तक सिर्फ एक फुल डे ऑफ ईटिंग डाला है, तो काफ़ी लंबे टाइम बाद मैं दूसरी वीडियो बना रहा हूँ। एंड इस बार मैं आपको दिखाऊंगा कि कंपटीशन प्रेप के टाइम पे मैं क्या खाता हूँ। लास्ट टाइम पे मैंने यही दिखाया था बट वो एक्चुअली मेरा फुल डे था, वो सिर्फ फुल डे ऑफ ईटिंग नहीं था, वो फुल डे था कि मेरा रूटीन क्या रहता है थ्रू आउट द डे। सो एंजॉय। हे व्हाट्स अप गाइस, सो आई एम बैक फ्रॉम द जिम। मैं वापस आके नहा लिया और अपना प्रोटीन शेक पी लिया था मैंने। अब मैं जा रहा हूँ अपनी बाकी की मील्स के लिए सामान लेने, जो कि है चिकन एंड फिश, और साथ में ब्रूटस के लिए भी चिकन लेके आना है। चलो चलते हैं मार्केट। वेल, मेरी डाइट में 170 ग्राम्स है, ये 180 ग्राम्स है, चल जाएगा कोई बात नहीं। तो ये रहा मेरा लंच और ये काइंड ऑफ लाइक मेरी पोस्ट वर्कआउट मील भी है। इसकी जो नेक्स्ट मील होगी उसमें कार्ब्स थोड़ी सी कम हो जाएंगी और साथ में होगा चिकन और थोड़ी वेजिटेबल्स। तो दिन में एक बार मैं फ़िश खाता हूँ, दो बार चिकन खाता हूँ, जो कि होगा एक बार इस मील के थोड़ी देर बाद, दो घंटे बाद, और एक होगा डिनर में चिकन, उसमें सिर्फ वेजिटेबल्स होती हैं, ज़्यादा कुछ नहीं होता है। और मुझे एक खुशखबरी मिली है, मैं जब गुरुजी के पास गया था उन्होंने मेरी फॉर्म देखी तो बॉडी थोड़ी सी डिप्लीटेड और फ्लैट लग रही थी, काफ़ी सॉफ्ट सा लुक आ रहा था, तो मुझे भी थोड़ा डाउट हो रहा था। और गुरुजी ने भी वही चीज़ बोली कि अब मेरी कार्ब्स थोड़ी सी बढ़ेंगी, कार्ब्स थोड़ी सी अप की जाएंगी ताकि मेरी मसल्स फिल आउट हो सकें और एक हार्ड लुक आ सके। और अभी मेरे पास 7 वीक्स हैं, आई एम करंटली 7 वीक्स आउट, तो लगभग 2 से 3 हफ्ते हमारे पास हैं थोड़ा सा काब अप करने के लिए, मसल को हार्ड लुक देने के लिए, साथ ही साथ ट्रेनिंग इंटेंसिटी भी इंक्रीज़ होगी सो दैट वो काब्स बॉडी पूरी तरह से यूज़ कर सके और मेरी बॉडी में और सॉफ्टनेस ना आए या फिर मेरा मसल लॉस ना हो। तो ट्रेनिंग इंटेंसिटी भी ऊपर जाएगी, काब्स भी थोड़ी सी अप करेंगे। तो आज मेरे को होपफुली वो प्लान मिल जाएगा, आज या कल में, मैं कल गया था गुरुजी के पास और मैं अब इस मील को खाऊंगा और आपको मिलूंगा अगली मील में जो कि होगी अभी से करीब 2 से 3 घंटे बाद। बाय द वे इस फिश के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ नमक है, सिर्फ नमक, और राइस के अंदर सिर्फ नमक और थोड़ी सी हल्दी। मैं मसाले वगैरह अवॉइड करता हूँ प्रेप के टाइम पे और करने भी चाहिए, डेली लाइफस्टाइल में भी मसाले थोड़े कम करने खाने चाहिए, वो हेल्दी रहता है हमारे लिए। और हल्दी और नमक आप फिर भी खा सकते हैं,
और अपनी मील्स में वेजिटेबल्स ज़रूर रखें, बिकॉज थोड़ा फाइबर भी ज़रूरी होता है। प्लस में जब आप कटिंग पे होते हैं तो ये वेजिटेबल्स ही होती हैं जो आपको थोड़ा सा फुल एक फीलिंग देती है। कम खाना मिलता है बट वेजिटेबल्स आप थोड़ी ज़्यादा खा सकते हैं, तो उससे आपको इतना रहेगा कि हाँ पेट भरा हुआ है थोड़ी देर तक, तो ज़्यादा भूख नहीं लगेगी। सो एनीवेज आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट मील। सो दिस इज आवर मील नंबर 3 or 2। ऑलराइट गाइस, सो इट्स मील नंबर 3 और एक्चुअली आई फॉरगॉट कि कौन सी मील थी। टेक्निकली इट्स माई मील नंबर 3 बट वैसे अगर देखा जाए तो पोस्ट वर्कआउट में इट्स मील नंबर 2, क्योंकि मील नंबर 1 तो प्री वर्कआउट मील थी सबसे पहले सुबह सुबह। एनीवेज सो दिस इज़ नथिंग फैंसी, जस्ट 200 ग्राम्स ग्रिल्ड चिकन, थोड़ी सी वेजिटेबल्स जिसमें कैप्सिकम है, तीनों अलग अलग कलर की मल्टी कलर्ड कैप्सिकम, और थोड़ा सा खीरा, और साथ में है पाइनएप्पल। पाइनएप्पल आजकल मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा सा लग रहा है। मैं पहले पाइनएप्पल नहीं खाता था बट अब खा रहा हूँ, बिकॉज सबसे पहली बात कि लो कैलोरीज है इसमें, जो है वो सिर्फ ग्लूकोज है, मतलब नेचुरल शुगर होती है फ्रूट्स के अंदर, तो इट्स नॉट हार्मफुल एट ऑल। और थोड़ी ही क्वांटिटी लेता हूँ, कम कैलोरीज में दिमाग काम करना बंद कर देता है, थोड़ी ही क्वांटिटी लेता हूँ मैं, ज़्यादा नहीं, लाइक 150 ग्राम्स समथिंग प्लेट में ज़्यादा रखा हुआ है, बट मैं थोड़ा कम खाऊँगा। तो ये है मेरी मील नंबर 3। इसके बाद होगी मील नंबर 4 जो कि होगी अप्रॉक्सीमेटली 7:30-8 के आसपास, और फिर 9 बजे के आसपास होगा मेरा डिनर, क्योंकि 7:30-8 वाली जो मील होती है वो बहुत छोटी सी मील होती है, उसमें सिर्फ मेजरली प्रोटीन होता है, वो मैं दिखाऊंगा आपको क्या होता है, बहुत अच्छा लगेगा आपको। और रात को होगा मेरा डिनर जो कि बिल्कुल लंच जैसा होता है, मतलब राइस होते हैं बट इंस्टेड ऑफ फिश उसमें अगर चिकन वगैरह डाला जाए तो वो मच मच बेटर रहेगा एज अ प्रोटीन सोर्स, और साथ में वेजिटेबल्स वगैरह। और मैं ये इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज जो नेक्स्ट मील होगी वो तो मैं शायद दिखा दूँगा, बट मोस्ट प्रोबेबली मैं शायद लास्ट मील ना दिखा पाऊँ, बिकॉज तब तक मैं काफ़ी थक भी जाता हूँ, मुझे जिम जाना है। एक्चुअली ये मील खाने के बाद 1 घंटे बाद मैं जिम जाऊँगा, ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ कार्डियो और एब्स करने, और वापस आके ही मेरी वो नेक्स्ट मील होगी जो मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। इट्स मेनली प्रोटीन, नथिंग एल्स। सो आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट मील। ऑलराइट पीपल, सो दिस विल बी माई लास्ट मील, जो पहले होने वाली थी बट मैंने सोचा कि क्योंकि ये स्वीट डिश है तो डिनर के बाद करेंगे। तो मैं बना रहा हूँ प्रोटीन मग केक, और इंग्रेडिएंट्स ये रहे सामने, ज़्यादा नहीं है, थोड़े से ही है। तो हम लेंगे पहले 1 स्कूप वे प्रोटीन, अभी बचा हुआ है। ओके, बेकिंग पाउडर मैं इसमें पहले डाल चुका हूँ बाय द वे, फिर मैंने डाला है वे प्रोटीन, और अब डालेंगे हम थोड़ा सा चॉकलेट पाउडर, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा फ्लेवर के लिए, एक्स्ट्रा फ्लेवर। और अब इनको कर देंगे हम मिक्स अच्छे से, ये इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ा सा इसको फिर से मिक्स करेंगे, अभी ये थोड़ा सा पेस्ट जैसा बन जाएगा, और हम एक्चुअली वही चाहते हैं कि ये थोड़ा सा हार्ड पेस्ट जैसा ही बने, क्योंकि इसमें अब फाइनल इंग्रेडिएंट आएगा जो कि है दूध। दिस इज़ टोन्ड मिल्क, कोई सा भी मिल्क यूज़ कर सकते हो आप, बट ध्यान रहे थोड़ा सा ही, बहुत थोड़ा सा ही हमें दूध यूज़ करना है, और हम इसमें अब ये डाल देंगे। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये पीनट बटर यहाँ पे क्या कर रहा है, मैं इसको इसकी फिलिंग की तरह यूज़ करूँगा, दिखाता हूँ कैसे। ओ एंड सॉरी, मैं एक इंग्रेडिएंट भूल गया था, ये है आटा। आप ओट्स फ्लोर भी यूज़ कर सकते हो, नॉर्मल फ्लोर भी यूज़ कर सकते हो, ये नॉर्मल आटा है, 1 चम्मच आटा भी डालना था। ड्राई इंग्रेडिएंट्स में डाल के मिक्स करोगे तो बेटर रहेगा, बट कोई नहीं, अभी भी कर लेंगे हम इसको मिक्स। वी आर प्रोज, वी आर एक्सपर्ट्स, सी मिक्स हो गया। सो अब हम डालेंगे इसमें पीनट बटर, जो कि है मेरा एक्सपेरिमेंट,
लेट्स सी काम करता है कि नहीं। एक ही जगह पे सारा डालना है और इसको हम मिक्स नहीं करेंगे। कितना डालना है आप पूछोगे, तो ये डालना है टोटल 1 serving, दैट इज़ 32 ग्राम। डन, या गॉट इट। अब हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे और करना क्या है, हम इसको डालेंगे माइक्रोवेव के अंदर। सॉरी थोड़ा सा गंदा हो रखा है क्योंकि इसमें रोज़ कुछ ना कुछ बनता रहता है, चिकन वगैरह। हम इसमें लगाएंगे एक मिनट का टाइमर, कर देंगे स्टार्ट। ओके जी, फाइनल रिजल्ट आ गया है, लेट्स सी। ओहो हो हो, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। लुक एट दैट, लुक एट दैट, ब्यूटिफुल। लुक एट हाउ फ्लफी दिस इज। ओके, सो बाय द वे, ये थोड़ा सा ड्राई लग सकता है आप लोगों को, बिकॉज वे प्रोटीन से जब भी मग केक बनता है तो वो यूजुअली ड्राई हो जाता है। पर अगर आप में से कोई मग केक एक्सपर्ट है और जिसने पहले कभी प्रोटीन मग केक बनाया है, जो कि मॉइस्ट रहा हो अंदर से, थोड़ा ड्राई या हल्का फुल्का ड्राई रहा हो, बट ऐसा ड्राई नहीं, ये भी बहुत ज़्यादा नहीं है बट थोड़ा सा ड्राई है, तो मुझे ज़रूर बताना कि क्या कर सकते हैं एक इसका इम्प्रूव वर्जन बनाने में। अभी देखो ये धीरे धीरे करके सेटल हो रहा है, क्योंकि मैं इसको एकदम गर्म तो खाऊंगा नहीं, ये धीरे 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 करके जा रहा है नीचे, और ये होगा मेरा फाइनल डिज़र्ट, फाइनल मील, आप लोगों के लिए ट्रीट। जो लोग प्रेप पर हैं वो इस तरह की चीज़ें खा सकते हैं, मन लगा रहता है, डाइटिंग में मज़ा आता है। और अगर आप कॉम्पिटिशन प्रेप कर रहे हैं तो मेरी एक टिप है कि थोड़े दिन के लिए टेस्ट बर्ड्स को भूल जाओ। ऐसी चीज़ें इन्जॉयबल होती हैं, बट अगर आप ऐसी चीज़ों को एकदम ऐसे करोगे कि काश ये मिल जाए, काश ये थोड़ा और मिल जाए, तो यू नो मेंटल गेम भी है ये बॉडी बिल्डिंग, तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। जितना हो सके अपने टेस्ट बर्ड्स को कंट्रोल में रखो, ये कभी कभी अच्छा लगता है। मैं हफ्ते में 2 से 3 बार ले लेता हूँ, बिकॉज स्वीट्स की क्रेविंग होती है और अभी दिवाली का टाइम है, तो यू नो एनीवेज इट्स ऑलमोस्ट 11 और ये मेरी होगी लास्ट मील। इसको खा के मैं लगभग 40-45 मिनट्स में सो जाऊंगा, क्योंकि 15-20 मिनट खाने में लगेंगी। एंड दिस इज़ इट, दिस वॉज द फुल डे ऑफ ईटिंग। आई होप यू गाइज इन्जॉयड इट। टोटल कैलोरीज, टोटल मैक्रोज ये रहे यहाँ पे। अगर आपके भी सिमिलर मैक्रोज हैं तो आप यही सेम डाइट प्लान फॉलो कर सकते हो। अगर आपको इसमें से कोई भी मील पसंद आई है तो आप उसको अपने मैक्रोज के हिसाब से, अपने कैलोरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हो, वो चल जाएगा। कैसे एडजस्ट करना है वो मैं वीडियो पहले डाल चुका हूँ आप लोगों के लिए। अगर आपको जानना है कि अपना डाइट प्लान किस तरह से आप थोड़ा बहुत बनाना सीख सकते हैं, कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं, तो वो वीडियो में डाल चुका हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और ऊपर भी आ जाएगा, इधर है कि इधर है, जहाँ भी आएगा ऊपर आ जाएगा, देख लेना। सो एनीवेज, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट टाइम जो भी देखना हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, या फिर इंस्टाग्राम पे DM कर देना। बाय बाय।